आप यहाँ क्यों आए हैं? बेहतर होता अगर आप यहाँ पे ना आते तो। चलो प्लीज मेरी बात का यकीन करो, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। आप पर ही तो यकीन किया था। मुझे यकीन था कि सब मुझे धोखा दे देंगे, लेकिन आप नहीं। लेकिन आपने क्या किया? मेरा भरोसा तोड़ दिया आपने। आपको क्या लगता है अगर अफान मेरी जिंदगी से चला गया तो आप मुझे हासिल कर लेंगे? नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप मुझे कभी भी हासिल नहीं कर सकते। अगर तुम्हें हासिल करना ही मेरा मकसद होता तो ये तो मैं कब का कर चुका हूं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पे हासिल कर सकता था, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। और जिससे मोहब्बत करते हैं उसे हासिल नहीं किया जाता, उसे अपनाया जाता। आपकी ये बातें मेरे दिल पर असर नहीं करेंगी। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप चले जाइए यहाँ से। चला मेरा यकीन करो, अगर मुझे पता होता कि अरमान मेरे जरिए वहां तक पहुंच जाएगा, मुझे जरा सा भी अंदाजा होता इस बात का, तो मैं कभी तुमसे मिलने मांगना आता। आई स्वेयर अपॉन गॉड, मैं कभी भी नहीं चाहता था कि अरमान को पता चले कि तुम कहाँ। क्या हमारे दरमियान इतने अरसे में इतना भी रिश्ता नहीं बना कि तुम मेरे इस बात पर यकीन कर सको? बोलो। मैं अब आप पर कभी यकीन नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। चलो तुम्हारी बातों से मेरा दिल दुख रहा। अच्छा, तो उन दुखों के बारे में क्या ख्याल है जो आपने मुझे दिए? आप जानते हैं, एक मां के लिए उसकी औलाद के छिन जाने के गम से बड़ा कोई दुख नहीं होता। आपकी वजह से मेरा बच्चा मुझसे छिन गया है। आज अगर मेरी गोद खाली है तो इसके जिम्मेदार आप हैं। आपकी वजह से मैं रात रात पर जाग के अपने बच्चे के लिए रोती हूं, तड़पती हूं, लेकिन मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है। अगर मैं इस अजियत में आज हूं तो सिर्फ आपकी वजह से। मुझे हंसी उम्मीद नहीं थी, नहीं थी मुझे आपसे उम्मीद। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, आप यहां से जा सकते हैं। उजाला बेटा, तुम एक दफा हमजा की पूरी बात को सुन लो, फिर उसके बाद कुछ कहना। तुम बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। तुम जानती हो ना कि नूर मेरी जिंदगी में क्या मुकाम रखती है।